हमको हो रही है लेट, गरम हो रहा है। बैठ जाओ, तुमने फुल पैजामा पहना हुआ, गरम नहीं लगेगा। किसी को भी हाँ मंजू मम्मा नहीं है मुझे लगा कौन बच्चा इसको लगा कि इसकी मंजू मम्मा है क्योंकि इनके पास ऐसे ही कपड़ा था। अच्छा चल कोई है नहीं सीधा जाना है। आखिर क्यों आना पड़े हमें मंजू के घर अचानक से ऐसे? सबके दिमाग में होगा कि मैं आखिर क्यों आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्यों आ गई, बस काफी टाइम से घर में होता ना कि कई बार हम लोग बैठे 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 मन उब जाता है, वही काम धाम, थोड़ा सा आउटिंग चाहिए होता है हम लोग को भी थोड़ा। और फिर पूरा समर वेकेशन अवनी का ख़त्म होने को था, बस 3-4 दिन बच गए हैं, तो अवनी भी कहीं जा नहीं पाई। और ये था कि मेरी सिस्टर भी बुलाई मेरे को दिल्ली में कि आ जाओ तुम, लेकिन इतनी गर्मी है कि कहीं सफ़र करने का इतना मन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा भी वहीं पे हैं, तो ये हुआ कि चलो कुछ नहीं, मंजू ने बोला कि आ जाओ कम से कम 2 दिन के लिए यहीं पे आ जाओ, तो बेटी भी खुश हो गई और वह कि चलो सारे समर वेकेशंस ख़त्म तो हो गए, 2-4 दिन बचे हैं तो 2 दिन के लिए इसका थोड़ा सा आउटिंग करा देते हैं, मेरा भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए सासू माँ से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। खैर मेरी सासू माँ अच्छी हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मायका हो या ससुराल, सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कोई भी काम करना चाहती तो उसमें वो लोग सपोर्ट करते हैं, मना नहीं करते कि नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है, वो मना कभी भी नहीं किया कि तुम ये काम मत करो, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी फैमिली है मेरी कि मुझे इस मतलब इस तरीके से सपोर्ट करती है, मैं इसके लिए बहुत लक्की हूँ। तो बस वही समर वकेशन के लिए वह कि 2 दिन छुट्टी मना लेते हैं, तो इस वजह से मंजू के यहाँ आ गए क्योंकि यही पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, 15 किलोमीटर की दूरी है। तो चेंज थोड़ा सा चेंज करने लिए, और अवनी का चेंज हो जाए, मेरा थोड़ा चेंज हो जाए, इसके लिए आ गए। और कुछ ऐसा नहीं है कि क्यों आ गए, और खुशी से आए, तो बस यही था। अब देखते हैं, अभी तो आए हैं हम लोग, कुछ टाइम हुआ तो नाश्ता वगैरह करके आए थे, अभी खाना वाना दोपहर तक होगा। बच्चे इसके पढ़ाई कर रहे हैं दोनों, क्योंकि उन सबकी छुट्टियां चल रही, तो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन रहेंगे यहाँ पे, आपको ब्लॉग में देखने को आगे मिलेगा कि क्या है कैसे, थोड़ा सा चेंज होगा, जगह चेंज हुआ है तो रूटीन भी चेंज होगा। तो बस यही सब है, बाकी आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए। क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ।
टीवी देख रही हूँ। मेरा बच्चा है कि मेरा बेटा, तुम तो वैसे हार जाओगी और हम नहीं जीतेंगे। कंपटीशन चल रहा है कौन अच्छा मेकअप करता है। चावल खा के आप लोगों देखा कि होनी ने बहुत अच्छा मेकअप किया है अपनी मंजू मम्मा का। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप लोगों में से कौन कौन कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, अभी गर्मी और बढ़ा देगा, गर्मी बढ़ जाएगी इससे। ये नहीं कि बारिश हो तो अच्छे से हो जाए।